हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्ट्रा स्मार्ट गेमिंग में और मैं इसे इंटरेस्टिंग गेम प्ले का वीडियोस लाता ही रहता हूँ। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल वाले घंटे आइकन के भी दबा देना। तो दोस्तों, आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम M249, M416 और AUG का कंपेरिजन करने वाले हैं। हम इन सारी गन्स को 7 डिफरेंट बेसिस पे कंपेयर करने वाले हैं। तो पहला बेसिस है पावर, सेकंड है रिलोडिंग टाइम, थर्ड है रेट ऑफ फायर या फिर आप इसे कह सकते हैं फायरिंग स्पीड, फोर्थ है रिकॉइल, फिफ्थ है साउंड, सिक्स्थ है कैपेसिटी ऑफ मैगजीन और सेवेंथ है रेंज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंपैरिजन वीडियो। तो दोस्तों, पावर की कंपैरिजन हम ये देख के करने वाले हैं कि कौन सी गन कितने बुलेट्स लेती है एक बोगी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, M249 जो कि एक LMG है, वो लेता है 36 बुलेट्स एक बोगी को पूरी तरह फोड़ने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी लोगों की फेवरेट गन है जो कि M416 है, वो लेती है 38 बुलेट्स इन बोगी को पूरा फोड़ने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे स्कारल ने भी लिया वही 38 बुलेट्स एक बोगी को फोड़ने के लिए। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि M416 और स्कारल दोनों की डैमेज डीलिंग कैपेसिटी सेम ही है। और यहाँ पे AUG A3 जो कि सिर्फ ड्रॉप में ही मिलता है, ये भी लेता है 38 बुलेट्स। तो दोस्तों, स्कारल, M416 और AUG A3 का डैमेज डीलिंग कैपेसिटी सेम ही है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड कंपैरिजन जो कि है रिलोडिंग टाइम। M249 में किसी भी तरह का क्विक ड्रॉ मैग नहीं लगता और इसलिए M249 लेता है 7 सेकंड्स रिलोड होने के लिए। M416 बिना क्विक ड्रॉ मैग के लेता है 1.9 सेकंड्स और जब हम यहाँ पे क्विक ड्रॉ या फिर एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग लगा देते हैं तब M416 लेता है 1.3 सेकंड्स। और स्कारल जो है वो बिना किसी क्विक ड्रॉ मैग के लेता है 1.9 सेकंड्स और जब हम यहाँ पे क्विक ड्रॉ या फिर एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग लगा देते हैं, स्कारल भी वही लेता है 1.3 सेकंड्स। AUG A3 जो कि सिर्फ ड्रॉप में ही मिलता है, वो थोड़ा ज़्यादा लेता है रिलोड होने के लिए। बिना किसी क्विक ड्रॉ मैग के AUG A3 लेता है 2.9 सेकंड्स और जब हम यहाँ पे किसी तरह की क्विक ड्रॉ मैग लगा देते हैं, ये लेता है 2 सेकंड्स। तो दोस्तों, हमारा थर्ड बेसिस ऑफ कंपैरिजन है रेट ऑफ फायर या फिर आप इसे कह सकते हैं फायरिंग स्पीड। हम फायरिंग स्पीड ये देख के कैलकुलेट करने वाले हैं कि कौन सी गन कितने टाइम लेती है 40 बुलेट्स को फायर करने के लिए। यहाँ पे M249 लेता है 3.4 सेकंड्स 40 बुलेट्स को फायर करने के लिए, M416 लेता है 4.7 सेकंड्स 40 बुलेट्स को फायर करने के लिए, तो हमारा स्कारल लेता है 4.8 सेकंड्स 40 बुलेट्स को फायर करने के लिए और AUG A3 लेता है 4.6 सेकंड 40 बुलेट्स को फायर करने के लिए। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि पावर में भी M249 कम बुलेट्स लेता है एक बॉगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए और यहाँ रेट ऑफ फायर में भी M249 आगे निकल गया है। तो M249 इज अ बेटर ऑप्शन अगर आप इसका रिकॉइल कंट्रोल कर पाते हैं तो। अब हम देख लेते हैं इन सारे गन्स की रिकॉइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं M249 की खतरनाक वाला रिकॉइल। काफ़ी लोगों की फेवरेट गन जो कि है M416, उसका रिकॉइल काफ़ी कम है M249 मशीन गन से। यहाँ पे स्कारल का रिकॉइल भी काफ़ी कम आ रहा है एज कम्पेयर टू M416। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AUG A3 का रिकॉइल भी M416 जैसे ही है। और हम जब M416 पे कंपेंसेटर लगा देते हैं
तो रिकॉइल काफी हद तक कम हो जाता है। और जब हम स्कारल पे भी कंपेंसेटर लगा देते हैं तो इसका रिकॉइल तो और भी कम हो जाता है, जैसे कि आप इसको स्प्रे कर सकते हो इजीली। और वहीं AUG A3 में कंपेंसेटर लगाने के बाद थोड़ा सा कम रिकॉइल है, लेकिन फिर भी स्कारल से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि स्कारल का रिकॉइल काफ़ी कम है 5.56 गन में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ कंपैरिजन जो कि है साउंड। मैं चाहता हूं कि आप इन सारी गन्स की आवाज़ अच्छे से सुन लें और उसके बाद खुद ही डिसाइड करें कि कौन सी गन ज़्यादा लाउड है। आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी गन ज़्यादा लाउड है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ कंपैरिजन जो कि है कैपेसिटी की। जैसे कि आप सबको पता है M249 एक LMG है और वहाँ पे कोई एक्सटेंडेड मैग नहीं लगता, और इसी वजह से M249 का जो कैपेसिटी है वो है 100 बुलेट्स की। बिना किसी एक्सटेंडेड मैग के M416 स्कारल और AUG A3 का कैपेसिटी है 30 बुलेट्स, और जब हम वहाँ पे एक्सटेंडेड या फिर एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग लगा देते हैं तब उनकी कैपेसिटी बन जाती है 40 बुलेट्स की। तो दोस्तों हमारा सेवेंथ बेसिस ऑफ कंपैरिजन है रेंज की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि M249 की रेंज है 600 मीटर्स और M416 स्कारल और AUG A3 का रेंज है 400 मीटर्स। इन सारी गन की रेंज जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अराउंड 50 मीटर्स की, क्योंकि हर जगह इनकी रेंज डिफरेंट सी दिखा रहा था। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप पर्सनली कौन सा गन ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।